हर साल जगन्नाथ पुरी मंदिर के द्वार को 15 दिनों के लिए बंद कर दिया जाता है और इन 15 दिनों में भगवान की सेवा की जाती है ताकि वे जल्दी से ठीक हो जाएं और उनका पूर्ण रूप से उपचार हो सके। जी हां, ये कोई कहानी नहीं है, यह पूर्ण रूप से प्रामाणिक सत्य है। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को जब गर्मी की अधिकता होती है तो उस दिन देव प्रतिमाओं को 108 घड़े के जल से स्नान कराया जाता है। इस स्नान के बाद तीनों देवता यानी कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और बहन सुभद्रा बीमार पड़ जाते हैं और फिर वह एकांतवास में चले जाते हैं। एकांतवास की इस प्रक्रिया को पुरी में अनासरा कहते हैं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा से भगवान श्री जगन्नाथ आज भी रोगी हो जाते हैं। इस दिन से अगले 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान बीमार रहते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर के द्वार बंद कर दिए जाते हैं और उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। 15 दिनों तक जगन्नाथ भगवान को अलग अलग प्रकार के काढ़ों का भोग लगाया जाता है। 15 दिन बाद जब वो पूरी तरह से ठीक होते हैं तो उस दिन जगन्नाथ रथ यात्रा होती है जिनके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। जगन्नाथ भगवान के प्रत्येक वर्ष बीमार होने से जुड़ी कथा इस प्रकार है। ओडिशा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त माधव दास जी अकेले रहते थे।